काशीकालीन धरना का जो है मकसद बताइए। ये भैंसासुर काशी तकिया में NRC, CAA और NPR के खिलाफ कल से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। इस कड़ाके की ठंड में भी नौजवान, बच्चे, बूढ़े, औरतें, माँ बहनें सब एकजुट होकर इस धरना पर बैठी हुई हैं, क्योंकि ये जब तक CAA और NRC और NPR वापस नहीं लेती है सरकार, तब तक ये धरना चलता रहेगा। सरकार दिग्भ्रमित करने की काम कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि NRC कहीं कोई चर्चा नहीं है, और वहीं हमारे गृह मंत्री डंके की चोट पर कहते हैं कि NRC पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा, जो सिर्फ और सिर्फ पूरे हिंदुस्तान की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और ये CAA ला करके उन सभी लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से, इस जगह से यही आह्वान करता हूं कि सरकार CAA और NRC और NPR वापस ले। आपका नाम? अली अहमद। ये निश्चितकालीन धरना में आप शामिल हुए हैं, क्या उद्देश्य? ये काशी तक के मोहल्ले में कल से अनिश्चितकालीन धरना हुआ है कैब NRC और NPR के खिलाफ में। इसमें शामिल होने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि सरकार से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, आपकी पार्टी खुद 1980 में गठित हुई है और आप हमसे 1971 का प्रमाण मांगते हैं। दूसरी बात, कैब क्या है? कैब जो है दूसरे देश से शरणार्थी जो आएंगे उनको आप नागरिकता देंगे भारत में, ठीक है? और दूसरी बात, अगर वो उनको आप नागरिकता देते हैं, ठीक है, और भारत में जो लोग पहले से मौजूद हैं उनसे आप नागरिकता का प्रमाण मांगते हैं। ये ऐसा काला कानून जो है हमारे देश की जनता में दिग्भ्रमित कर रहा है और बहुत ही कष्टदायक है। हर वर्ग के लोगों के लिए समस्या है। अभी लगता होगा कि नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे मजदूर घर के लोग हैं जिनके पास हमेशा मजदूरी करते रह गए, वो बेचारे कहाँ से लाएंगे 1971 का कागज। और यही सब मुद्दे को लेके काशी तक के मोहल्ले में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसमें मैं शामिल हुआ हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उदय कुशवाहा हुआ, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस। भैंसासुर के मोहल्ले में जो धरने का प्रोग्राम चल रहा है लगातार 2 दिनों से, इस धरने के माध्यम से मरकजी सरकार और बिहार सरकार को से मांग की जा रही है कि NPR जो लागू करने की कोशिश की जा रही है इसको निरस्त किया जाए, और जो CAA कानून लाया गया है, काला कानून, इसके खिलाफ हम लोग उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि CAA कानून वापस नहीं लिया जाता है। और NRC के आने का तो सवाल ही नहीं है, और हम लोग उसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और NRC को हम लोग बिहार में लागू और पूरे हिंदुस्तान में लागू होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। सरफराज अहमद खान, एडवोकेट, इंसाफ मंच के कन्वीनर। CAA, NRC और NPR के खिलाफ ये लगातार धरना जारी हुआ है। मैं भाकपा माले की ओर से इसको सपोर्ट देने के लिए और इसका विरोध करने के लिए मैं शामिल हुआ हूँ। भारत सरकार का जो ये नया कानून आया है CAA, ये निश्चित रूप से संविधान विरोधी है और संविधान की धर्मनिरपेक्षता पर चोट करता है, और ये निश्चित रूप से जो है ये पूरे देश के लिए विभाजनकारी और विनाशकारी कानून है। इस कानून को समाप्त होना चाहिए, वापस लेना चाहिए। और जो केंद्र सरकार चाहती है कि पूरे देश के अंदर इस तरह से जो एक मैंने ऐसा माहौल बने जिस माहौल पर वो अपना राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, उसको यहाँ कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। और हिंदू और मुस्लिम सब साथ मिल करके इस कानून का विरोध कर रहे हैं और हम लोग करेंगे। ये अनिश्चितकालीन धरना का कब तक आप लोग समर्थन करेंगे? ये धरना लगातार जब तक कानून वापस नहीं होगा, और धरना चलता रहेगा। ये आंदोलन और लगातार ऐसे चल भी रहा है। वाम दलों की ओर से भी 25 तारीख को जो है वो मानव श्रृंखला लगाई जाएगी, 30 तारीख को मैंने जो है गांधी शहादत के दिवस पर सत्याग्रह किया जाएगा और लगातार कार्यक्रम चलेंगे। आपका नाम? पाल बिहारी लाल, भाकपा माले, जिला कमेटी सदस्य।